अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन के लिए जहां वोट वहां वैक्सीनेशन लगाने का अभियान शुरू किया है, और मेरी विधानसभा ओखला में भी एक वार्ड से ये अभियान की शुरुआत हुई है। आज और कल हमारी टीम जाकिरनगर वार्ड यानी कि 100 नंबर वार्ड पर डोर टू डोर सर्वे करेगी, लोगों से मिलेगी, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया, जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने का काम हमने शुरू किया है। 11 जून 12 जून और जो 11 और 12 तारीख को जो लोग नहीं आएंगे उनको 13 जून और 14 जून को हम लोग वैक्सीनेशन लगाएंगे। जाकिरनगर वार्ड पर हम लोग रिवर व्यू पब्लिक स्कूल जो नफीस रोड पर है, हमारा एक स्टेशन है जहां लोग वोट डालते हैं, वहां पर वैक्सीनेशन लगाएंगे। न्यू वे पब्लिक स्कूल जो जोगाबाई एक्सटेंशन के वैक्सीनेशन लगाएंगे। सेंट गिरी पब्लिक स्कूल जो जोगाबाई मेन रोड पर है यानी कि बटला हाउस चौक पर है, और एक MCD प्राइमरी स्कूल जाकिरनगर जो बटला हाउस चौक पर है वहाँ पर, इन चारों स्कूलों में वैक्सीनेशन लगाने का काम 11 जून को, 12 जून को और 13 जून को, 14 जून को होगा। जो लोग 45 साल से ऊपर के हैं वो वहाँ अपना अप्लाई करें, और जो लोग अप्लाई नहीं कर सकते वो अपना आधार कार्ड लेकर किसी भी स्टेशन पर जहाँ वोट डालते हैं वहाँ जाएं, आपको वैक्सीनेशन वहीं पर सातों साथ लगा दिया जाएगा। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, लोग डर रहे हैं, तो मैंने खुद वैक्सीनेशन कराया है। मेरी फैमिली में 12 लोगों को मैंने वैक्सीनेशन कराया है, ना तो किसी को कोई नुकसान हुआ ना कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ। एक महीना हुआ मुझे पहला डोज लगाए हुए, मेरा 500 से ज़्यादा एंटीबॉडी बना है, और अभी तक मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने वैक्सीनेशन कराया हो या उसकी फैमिली में किसी आदमी ने वैक्सीनेशन कराया हो और उसको वैक्सीनेशन कराने के बाद किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ हो या साइड इफ़ेक्ट हुआ हो। मेरी विधानसभा में एक अपोलो हॉस्पिटल है, आप सब जानते हैं, अपोलो के अंदर मेरी आज उनसे बात हुई, उन्होंने वहाँ के स्टाफ को तकरीबन 8,000 लोगों को पहला और दूसरा डोज लगाया था वैक्सीनेशन का। और ये कोरोना की जो सेकंड वेव आई थी, इससे पहले कोरोना का सेकंड वेव से पहले सारे लोगों ने वैक्सीनेशन कराया था, उसके बाद कोरोना की सेकंड वेव आई, वो पूरा हॉस्पिटल कोविड के लिए था, कोविड के पेशेंट थे, सारे लोगों ने वहाँ पर काम किया। 8,000 लोगों में सिर्फ 17 लोगों को सेकेंड वेव में कोरोना हुआ, और 17 में से कोई भी एक आदमी, अभी तक वो एक भी आदमी किसी की डेथ नहीं हुई, एक भी आदमी ICU नहीं गया, सिर्फ माइल्ड सा इन्फेक्शन हुआ था। आप खुद बताइए, 8,000 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, 8 के 8,000 लोगों ने कोरोना में काम किया, उसमें से सिर्फ 17 लोगों को जो है कोरोना हुआ, और 17 में से कोई भी एक सीरियस नहीं हुआ और कोई वेंटिलेटर पे नहीं गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अफवाह जो फैला रहे हैं, सिर्फ कोई भी आदमी व्हाट्सएप पर ट्विटर पर जाता है और अफवाह फैला के चला जाता है, लेकिन आप खुद सोचिए, आपके आसपास के बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन कराया होगा, कोई एक आदमी अगर आपको ऐसा मिला हो कि किसी को साइड इफ़ेक्ट हुआ हो या किसी को कोई नुकसान हुआ, तो आप बताइए। लेकिन ये सिर्फ अफवाह है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। वैक्सीनेशन कराने के बाद आपको अगर इन्फेक्शन होगा भी तो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होगा, आप 97-98% सेफ हो जाते हैं, और अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो आप 100% रिस्क पर हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें, अपने जानने वालों का भी ख्याल रखें, तो वैक्सीनेशन आप ज़रूर कराएं, इलाज कराएं। आगे की जिम्मेदारी अल्लाह की है, इंशाल्लाह अल्लाह इसका शिफा हमें उसका ज़रूर देगा, और वैक्सीनेशन के अलावा दूसरा कोई कोरोना से बचने का कोई हल नहीं है। तो ये दिल्ली सरकार की, अरविंद केजरीवाल साहब की ये मुहिम है। आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लोगों की बात में ना आकर के अपनी जान की खातिर, अपने घर वालों की खातिर आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। शुक्रिया।